तो शुरू करते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी जीपेट का एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं। इस टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए जो माइंडसेट रिक्वायर्ड है, जितना टाइम अभी बचा हुआ है जीपेट में, उस टाइम पे जो माइंडसेट उनके लिए रिक्वायर्ड है, जो उनकी सोच होनी चाहिए, जो उनके दिमाग में चलना चाहिए, स्पेशली आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो इस टाइम पर क्या रहेगा कि आपको बहुत सारी कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारी साइट्स या कोई बहुत सारे ऐप या कोई बहुत ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपको आएंगे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, टेस्ट वगैरह दीजिए और अपनी ऑल इंडिया में रैंक चेक करिए कि आप ऑल ओवर इंडिया में आप किस जगह पर लाई करते हो, हम आपको बताएंगे। मॉक टेस्ट अगर आपने ऑनलाइन दिए हो तो वहाँ भी आपको दिखाता होगा कि आप ऑल इंडिया रैंक पर इतने इस रैंक पर हो, अभी यहाँ पर आप लाई कर। तो सबसे पहला मेरा कहना ये है कि जो मॉक टेस्ट होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं किसी एक कोई जैसे प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ के जो टीचर बनाते हैं वो मॉक टेस्ट वो डिसाइड करते हैं। वो क्वेश्चन वही देंगे जो उन्होंने बताए होंगे, उसी के अंदर से पूछेंगे। बट जो हमारा मेन जीपेट एग्ज़ाम रहेगा उसमें तो वो क्वेश्चन पेपर वो लोग तो डिज़ाइन करने वाले नहीं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि उस जो उन्होंने टेस्ट दिया था, जो आपने मॉक टेस्ट, उसमें आप ऑल इंडिया पे बहुत नीचे रैंक कर रहे थे, हज़ारों में जा रही थी। तो उससे आपका ये मेन एग्ज़ाम से कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि वो उनके ऊपर रहता है कि वो पेपर उनका मॉक टेस्ट किस हिसाब से सेट करेंगे। वो हार्ड भी कर सकते हैं, वो डिफ़िकल्ट भी कर सकते हैं। बट जो हमारा मेन जो एग्ज़ाम, जो एनटीए जो एग्ज़ाम पेपर सेट करेगी, वो कुछ अलग ही लेवल का होगा, तो उससे उसका कोरिलेशन कतई नहीं है। बिल्कुल भी आप उससे उसको रिलेट मत कीजिए कि उसमें मैं क्वालिफाइड नहीं कर पाया था, मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे, कम आ रहे थे, तो मैं जो मेन एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइड नहीं कर पाऊँ, ये सोच आप बिल्कुल चेंज कर दीजिए। तो मेरा सबसे पहला यही कहने का है कि आप जो भी आपने मॉक टेस्ट दिए उसमें सिर्फ अपनी उससे मिस्टेक निकालिए कि मैंने मॉक टेस्ट देते टाइम ये मिस्टेक्स करी थी, उनको सुधारिए, ना कि अपने रैंक के हिसाब से, अपने नंबर के हिसाब से खुद को अभी जज कीजिए, ठीक है। तो उसमें चाहे आपके कितने ज़्यादा नंबर आए, बहुत ज़्यादा नंबर आ गए आपके, तो आपको फिर ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना उस टाइम कि मुझे सब आता है। जैसा कि मैंने बोला, एनटीए का जो पेपर रहेगा वो एनटीए के बहुत जो है कि प्रोफेसर्स वो डिज़ाइन करने वाले, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट या आपके कोई किस जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे होंगे या कोई ऑनलाइन आपने प्लेटफॉर्म उससे अगर टेस्ट सीरीज़ खरीदी, तो ये लोग वहाँ पर पेपर डिज़ाइन करने नहीं जाने वाले। तो इनका लेवल और उस पेपर के लेवल में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि उसमें मेरे कम मार्क्स आए तो पता नहीं जीपेट में क्या होगा, और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना। मैंने तो उसमें 500 में से 400 मार्क्स आए थे मेरे, जीपेट में इस बार फोड़ दूंगा, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अब जो है कि जैसा कि जानते हैं बहुत कम दिन बचे हूँ आपके पास, अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो जीपेट एग्ज़ाम के बाद में, तो बता दूं कि जब जीपेट एग्ज़ाम के लिए बहुत कम दिन बचे हों, 5 दिन से कम या 5 दिन के लगभग, उस टाइम पर आप अपना मॉक टेस्ट देना बंद कर दीजिए और उन गलतियों पर ज़्यादा फोकस करिए जो आपने मॉक टेस्ट के दौरान पर करी थी, उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपने, मुझे उम्मीद है अगर आप रेगुलर इस चैनल पे हो तो आपने अभी तक मॉक टेस्ट बहुत सारे दे चुके होंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी आपने दिए होंगे, बहुत सारी टेस्ट सीरीज लगाई होंगी अभी तक, और अपनी मिस्टेक्स भी आपने आइडेंटिफाई कर ली होंगी। तो उन मिस्टेक्स को अब आपको एक सुधारना है, ठीक है ना, ये करना। दूसरी बात, अब इस टाइम पर आपको ज़्यादा प्रेशर में अपने माइंड को नहीं रखना, काम रहना, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रहिए, अपने माइंड को जितना हो सकता है उतना काम रहिए। ऐसा ना हो कि डर की वजह से, प्रेशर की वजह से आपका पेपर ख़राब हो जाए। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ मैं। प्रिपरेशन बहुत बढ़िया रहती है उन लोगों की, प्रिपरेशन अच्छी रहती है, सब कुछ अच्छा रहता है, बट उनकी दिमाग में टेंशन की वजह से, प्रेशर की वजह से उनका पेपर ठीक नहीं हो पाता, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका जो पेपर हो वो उस प्रेशर, उस टेंशन की, एग्ज़ाम की टेंशन की वजह से ख़राब हो, ठीक है ना। माइंड को एकदम काम रखिए, शांत रखिए, ठीक है। बिल्कुल जो कुछ भी होना है बहुत अच्छा होगा। एडमिट कार्ड इस टाइम पे नहीं आए हुए हैं तो बहुत सारे बच्चों के मन में तो यही टेंशन है। दूसरी टेंशन ये है कि सिटी जो उन्होंने प्रेफरेंस में चूज़ करी थी उससे कुछ हटके ही अलग उनको सिटी मिली है, ज़्यादातर सेंटर मुंबई में मिले हैं बच्चों, तो उसकी अलग टेंशन है कि हमने तो कुछ और सिलेक्ट किया था, सिटी कोई और मिल गई है। एनटीओ को मेल किया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, रिस्पॉन्स आया तो उन्होंने बोल दिया जो मिला वही फाइनल है, कोई रिवाइज नहीं होगा उसमें। तो
मानता हूँ कि बच्चों के दिमाग पर इस टाइम पे टेंशन ज़्यादा है, बट अब ठीक है, जो हुआ हुआ है, अब इन सबको दूर रखकर आपको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है। अब आपके पास जो कुछ भी है वो ये बचे दिनों में ही है। आपने जितने सालों के पिछले 2-3 सालों से जो आपकी प्रिपरेशन कर रहे थे उसको अब आप स्पॉइल मत होने देना इन 3-4 दिनों के अंदर। इसमें भी उसी तरीके से बल्कि उससे ज़्यादा अपने आप को तैयार कीजिए जीपेट एग्ज़ाम के हिसाब से, ठीक है। माइंड को बिल्कुल शांत रखिए, फिर से बोलूँगा, तुक्का मारना नहीं है, बिल्कुल हवाबाजी नहीं करना एग्ज़ाम में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, स्टूडेंट्स वीडियो पर कमेंट कर रहे थे, इंस्टाग्राम पर पूछ रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर रहे थे, सर तुक्का लगाने की ट्रिक बताइए, तुक्का किस तरह से लगाएं, कोई नॉर्मल टिप दे दीजिए तुक्का लगाने। बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी पिछली जिसमें मैंने बताया है, तो देखिए स्टूडेंट्स, तुक्काबाजी, ये सब गेसिंग आंसर लगाना, ये सब का कोई सेंस नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो ही आप क्वालिफाई कर पाओगे, तुक्के से अगर कोई पास होते तो फिर बात ही अलग हो जाती। लोग पढ़ाई क्यों करते, तुक्का लगाने की टिप्स फॉलो करते और क्वालिफाइड कर जाते। तो ये एग्ज़ाम जितना इजी नहीं है, सेमेस्टर एग्ज़ाम की तरह नहीं है कि मन में आया छाप आए कुछ भी लिखाए, जो टीचर रहेगा भरी कॉपी देख के नंबर दे दे, इसमें ऐसा नहीं होता। यहाँ या तो आर या पार, या तुम्हारा सही होगा या गलत होगा। तुक्का मारते हो, 4 ऑप्शन रहते हैं, 71 क्वेश्चन हमारा कोई एक ऑप्शन सही रहेगा, 75% चांसेस हमारे गलत होने के रहेंगे, उसमें 3 ऑप्शन गलत रहेंगे, 1 ऑप्शन सही रहता। 2 ऑप्शन होते हैं तो 50-50 के चांस रहते कि नहीं या तो सही होगा या गलत होगा। 4 ऑप्शन रहते तो मैक्सिमम चांस आपके गलत होने की है, तो उस चीज़ की हाथी क्यों लगाया है जिसमें हमें मैक्सिमम चांस लग रहा है कि गलत हो सकता। हाँ, जिसमें आपको थोड़ा बहुत डाउट है, आपको लग रहा है 90% चांस इस ऑप्शन के सही होने के, 10% आपको डाउट लग रहा, उस जगह पर आप थोड़ा सोच विचार कर आप अपना आंसर लगा सकते। लेकिन आपको उसके बारे में पता ही नहीं, कभी उसको पढ़ा ही नहीं, कभी उसके बारे में देखा ही नहीं, पढ़ा भी तो आपने उतने अच्छे से नहीं पढ़ा, सिर्फ नज़रों में आया था, कभी नाम आपने सुना होगा उस चीज़ का, उस पर क्वेश्चन आ गया, तो वहाँ पर आपको तुक्काबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। माइनस मार्किंग इतना ज़्यादा अफेक्ट करती है रैंक को, आपके मार्क्स बराबर आए किसी बच्चे के, मान के चलिए आपके 250 मार्क्स आए और दूसरे बच्चे के भी 250 मार्क्स आए, उस टाइम पर रैंक किस तरह से डिसाइड होती है, उस टाइम पर रैंक डिसाइड होती है कि गलत किसने ज़्यादा किए। जिसने जिसकी ज़्यादा माइनस मार्किंग होगी उसकी रैंक ऑटोमेटिक नीचे चली जाएगी। जब नंबर सेम होते हैं तो रैंक नेगेटिव मार्किंग पर डिसाइड की जाती है, तो मैं नहीं चाहता कि आपकी जो रैंक है वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से नीचे जाए, ठीक है। तो तुक्काबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी। एक्यूरेसी पर फोकस कीजिए, मिस्टेक्स को कम कीजिए। जो मिस्टेक्स आपने टेस्ट सीरीज में, मॉक टेस्ट में करिए, उनको देखिए और वो मिस्टेक दोबारा ना हो मेन एग्ज़ाम में, इस पर फोकस करिए। अपने मेन नोट्स को जो हैं उनको आप फॉलो करिए ना, जैसे कि मैंने बोला टेस्ट सीरीज को देना बंद करना, जो आपने जीपेट के लिए नोट्स बनाए थे अब उनको रिवाइज करिए। नया कुछ नहीं पढ़ना है, हर बार हर एक वीडियो में मैंने बोला है जो मैंने अभी तक बनाई है, जिनमें 10 दिन से आपके जीपेट में अगर काम है तो आपको नया कुछ नहीं पढ़ना। मैं तो ये बोलता हूँ कि 1 महीने पहले से आपको नया पढ़ना बंद कर देना चाहिए, जो आपने पढ़ा जितना आपको आता है उसको अच्छे से तैयार कर लो कि उससे क्वेश्चन आए तो मेरे गलत ना हो। नया पढ़ोगे, जो हमने पढ़ा था उसकी रिविज़न नहीं हुई, जो नया पढ़ा उसको पढ़ा ना, ये हमें अच्छे से याद रहा ना, वो ठीक से समझ में आया, दोनों पे ना इसका क्वेश्चन बना ना उसका बना, दोनों पे ना बनने से अच्छा एक पे तो बन जाए वो सही रहेगा, दोनों क्वेश्चन गलत होने से अच्छा एक जो पढ़ा कम से कम वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ ले NTA लगा देंगे। एक और मेन बात, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, टॉपिक की आप पे उस पर आपकी जो है कि कमांड बहुत बढ़िया, उससे कोई ऐसा क्वेश्चन फंसा, कोई एक क्वेश्चन आया कि जो कि आपकी समझ से ही बाहर होगा, वो आपसे बन ही नहीं रहा, जबकि आपको उस टॉपिक पे बहुत अच्छी कमांड थी, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा, तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी घबराने की उस टाइम पे ज़रूरत नहीं। अगर वो क्वेश्चन इतनी प्रिपरेशन होने के बाद आपसे नहीं बन रहा तो वो ऑल ओवर इंडिया में वो किसी भी बच्चे से नहीं बनेगा, ये आप सोच लेना, क्योंकि आपकी इतनी अच्छी उस टॉपिक पे उतनी अच्छी स्टडी, इतनी अच्छी रिवीजन, इतनी अच्छी कमांड होने के बाद आप वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको ऑल ओवर इंडिया में कोई भी बच्चा, मतलब जो आपको नहीं आता समझ लेना, वो किसी को नहीं आता,
बट ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो वो सभी बच्चों को नहीं आ रहा। मैं उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जिस टॉपिक पे आपकी कमांड अच्छी थी, है ना। हो सकता है वो क्वेश्चन सिर्फ यूं ही टाइम वेस्ट करने के लिए एंटी ने डिज़ाइन किया हो, या तो फिर यूं ही उलझाया हुआ क्वेश्चन आपको दे सकते टाइम वेस्ट करने। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जीपेट के अंदर 125 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन तो ऐसे आते जो हाई लेवल के टॉपर से भी नहीं बनते। कितना ही अच्छा पढ़ के चला जाए आदमी, टीचर जो रहते हैं पढ़ाने वाले उनसे तक नहीं बनते। ऐसे क्वेश्चन 25 डिज़ाइन किए जाते, बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चन बनाए जाते। तो वो क्वेश्चन अगर आपके नहीं आए, आपसे नहीं बनते, तो उस टाइम पे आपको परेशान होने की ज़रूरत है। लगातार आपसे एक क्वेश्चन नहीं बना, दो नहीं बना, तीन नहीं बना, चार नहीं बना, पाँच नहीं बना, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो 25 में से 5-6 क्वेश्चन आपके सामने लगातार ही आ जाएंगे, स्टार्टिंग में ही आ जाएंगे। आप जाके कंप्यूटर पर बैठे, आपने जैसे ही क्लिक किया और सबसे पहले वही क्वेश्चन की लिस्ट आपके सामने आएगी। आप स्टार्टिंग में डीमोटिव हो जाओगे, लगातार 5 क्वेश्चन नहीं बने, पता नहीं आगे क्या हुआ। उस जगह पर नहीं घबरा, नहीं बन रहे स्टार्टिंग में तुक्काबाजी बिल्कुल मत करिए। स्किप करो, नहीं बन रहा, स्किप करो, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल 100% श्योर आ रहा है उसको मार्क करो पहले, फिर भले ही आप एक घंटे में या आधे घंटे में पूरे 125 क्वेश्चन देख डालो, बट जो आपको 100% आता है उनको मार्क करो, ताकि आप श्योर हो जाओ आप कि हाँ इतने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट मैंने लगाए हैं और इतने मार्क्स मेरे पक्के। तो पहले मैं यही रिकमेंड करता हूँ ज़्यादातर स्टूडेंट को, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था। मैं बैठा था एग्ज़ाम में, मेरे को जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था वो मैंने स्किप करता गया, उस पर दिमाग नहीं लगाया। जो मेरे को एक बार देखने में बन रहे थे तुरंत लगाता गया, नहीं आया स्किप, नहीं आया स्किप, नहीं आया स्किप, हाँ ये बिल्कुल 100% हो रहे, यही लगा दिया। पूरे 125 क्वेश्चन एक घंटे में या पौने घंटे में मैंने कंप्लीट कर दिए थे, पूरे देख लिए थे 125। मेरे लगभग 40-50 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मैंने 100% श्योर कर लिए थे। लगभग 40 के लगभग क्वेश्चन थे मेरे, मुझे पता था कि हाँ 40 क्वेश्चन मैंने लगाए, 160 मार्क्स मेरे कंप्लीट हो गए। बट उसके बाद फिर मैंने देखा कि अब हाँ इतने मार्क्स तो हो गए हैं मेरे। उसके बाद मैंने उन क्वेश्चन को लगाना शुरू किया जिन पे मुझको डाउट था। गलती मैंने भी करी थी कि जो क्वेश्चन नहीं आते थे मैंने वो भी लगा डाले थे, जिसकी वजह से जो है कि मेरे 30 से 35 क्वेश्चन गलत हुए थे, जो कि मेरे मार्क्स उन्होंने कम कर दिए 30 से 35। अब कमेंट में प्लीज़ कोई ये मत पूछना कि सर आपके कितने मार्क्स आए थे, कितने में से कितने आए थे ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ लेते हैं मुझसे। तो आप इतना जान लीजिए मैं क्वालिफाइड हो गया था, कोई रैंक वैंक मेरी भी इतनी अच्छी नहीं आई थी, है ना। तो आपको पहले उनको पूरे को एक बार पेपर को देख लेना, जो 100% श्योर हैं उनको लगा देना, उसके बाद आपको वो क्वेश्चन देखने हैं, आप मार्क कर लेना कि ये मेरे को इस पर 90% का ऐसा ऐसा लग रहा है, इसका ये हो सकता है, बट उसको टिक नहीं करना, सेव नहीं करना, तो मार्क करके रख लीजिए। अगर आपको जानना है कि किस तरह से मार्क करते हैं क्वेश्चन, किस तरह से क्या सिस्टम रहता है, अगर आपको कुछ नहीं पता, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि एज इट इज़ विंडो थी हमारी, जो कि NTA में आपको मिलने वाली है एज इट इज़। उसमें बिल्कुल सेम वैसा ही रहेगा, किस तरह से आपको क्वेश्चन लगाने हैं, किस तरह से सेव करने, किस तरह से रिव्यू के लिए डालने हैं, बाद में देखने, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई थी, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बनाने का मेरा यही मोटो था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में और इस तरह के क्वेश्चन आ रहे होंगे, कुछ परेशान भी होंगे, तो लास्ट टाइम पे आपका माइंडसेट बस इस तरह का होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। हर वीडियो में बोलता हूँ नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, सोशल मीडिया से भी फिलहाल की स्थिति में दूर रहिए, लाइक पोस्ट कमेंट रील्स वगैरह इन सब पर अभी ध्यान देना कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए। अभी एक बार आपकी मेहनत 4-5 दिनों की और बची, उसके बाद तो फिर आपका क्वालिफाइड होने के बाद तो फिर इतनी कोई नहीं करता, है ना। सो ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिर इतना ही। कोई आपके दिमाग में अगर माइंड में और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।